लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए बहिनी दरवा संस्था ने जवा में महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। ये संस्था खुद पैड का निर्माण कर रही है और घर घर जाकर इसका वितरण भी कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों के साथ साथ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में डभौरा में विहनी दरबार संस्था जरूरतमंद महिलाओं के लिए मददगार बनकर उभरी है। यह एनजीओ डभौरा में महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है और कोरोना संकट में ग्रामीण अंचलों में रहने वाली गरीब महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया करा रहा है। संगठन ने अब तक करीब 1500 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए हैं। संस्था ने बताया कि एक महिला को 5 सैनिटरी पैड दिए जा रहे हैं। बहनी दरबार द्वारा हम लोगों को खाद्यान्न मिला है और ये पैड भी मिला है। यह हमारा संगठन बहनी दरबार है। बहनी दरबार में उनके लोगों का आटा चावल सामग्री तो दीने गई के साथ साथ जो ने महिलाओं के महिंदारी होती है उसकी सैनिटरी नैपकिन भी हम लोगों का वितरण की गई है। ऐसा संस्था कौनों नहीं है जो यह पैड हम लोगों को दे सके। उद्देश्य है कि सभी गरीब और मजदूर सभी लोगों को राशन और खाद्य सामग्री दी जाती है, लेकिन अभी तक महिलाओं और लड़कियों के लिए कोई भी सैनिटरी नैपकिन नहीं वितरण किया। ये महिलाओं की मेन समस्या है, लेकिन इसका हमने मुख्य रूप से देखा कि महिलाओं लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है और मार्केट में अभी तक इसको जाके खरीद नहीं सकती हैं और इस लॉकडाउन में हमने ये वितरित किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।